तू देख लेना, एक दिन गाय ला के खड़ी कर दूंगा तेरे दरवाजे पे। परी भैया, कबरी गाय तो बहुत ही सुंदर है ना? हाँ। जी करता है तो ले लो, इसी से पूछ लो। अरे ना, साड़ी खराब हो जाएगी तेरी। होने दो, मेले में नहीं ले देना। 5 सेर दूध तो देती होगी। अरे सेर भर तो अपने गोबर को ही चाहिए। अरे तो पिए हैं जितना जी चाहे। ईमान धर्म तो भगवान देखते हैं ना, नहीं तो हम कह दें कि 20 रुपए सैकड़ा में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। 15 रुपए सैकड़े का बयान दिया है भैया को। हाँ ठीक है ठीक है, चल ले काट ले अपने बांस। हाँ समझ ले मैंने सही कर दी। तू सत्संग में गावेगी तो हम भी जरूर बजाएंगे। अच्छी कौड़ियाँ फेंकते हो चौधरी, 25 से 20 पे लाए, अब ये 15 में अंगूठा दिखा कर उठा ले जा रहे हो। रख लो होरी भैया रख लो, वो तो अच्छा हुआ गुस्से में हमारे अंदर की बात नहीं निकली, वरना भाइयों के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। भैया है ना गाय लेकर आ रहे हैं, आगे आगे गाय है पीछे पीछे भैया। बापू भैया गाय लेकर आ गए। हाँ, पहले मैंने देखा मैंने। अरे धनिया, अरे धनिया, अरे धनिया, धनिया, अरे भगवान मेरा बेटा आ गया। सेठानी की दुकान पे भेज के काला डोरा मंगाए लो, गाय को नजर पड़ी जल्दी लगे। सुन अरे खड़े देख क्या रहे हो, नाक भी तो काटनी है। और सुनो मैं गाय के लिए थोड़ा आटे और गुड़ का घोल तैयार कर देती हूँ। धूप में चल के आई है ना, प्यासी तो होगी। अरे बड़ी तगड़ी गाय है। हाँ छुटकी बैठ बैठ सुन तो सही। भैया तुम ये बताओ इतनी तगड़ी मोटी गाय को तुम लाए कैसे? अरे मैं कहाँ लाया उसे, लाई तो वो मुझे यहाँ है खींच कर। अरे पता है मुझसे बोलती है। अरे झूठे, वो कैसे बोलेगी। ले लो। देख ले आज शादी का वचन पूरा कह दिया।
हमारे बैल वहां से हटा के अपनी गाय के लिए झोंपड़ी बना दी, ये ठीक नहीं किया। हाँ जी, हमारी गैया तो उसी झोंपड़ी में रहेगी। हाँ, हम कह देते हैं बस। यहाँ बाहर बांध देते तो। अरे बावले मत बनो, गांव का हाल जान के भी अनजान बनते हो। गांव वाले क्या कर लेते? इतनी से की मत बघारो। हाँ, कोई सारी विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। हाँ, अरे होरी होरी महतोक। पंडित जी आया। पंडित जी जी। अरे भाई, सारे गांव में बड़ी चर्चा हुई रही है, तो हमने कहा कि चलो हम भी जरा गैया देखावें। सुना है बड़ी सुंदर गैया लेके आए हो। अरे गैया में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कोनो दोष नहीं है होरी में, तो बाल भौरी सब ठीक है, बस रात अब में कमी न रखना, चारा खली सब बराबर देते रहना, सब भगवान जी की कृपा है। रुपये नकद दिए थे? अरे हथेली गरम किए बगैर बोला क्या गैया देते। पासे से कम तो क्या दूध देगी? अजी नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, और फिर रात अब कहाँ धरा है इतना, खली बिनोला कहाँ से मिलता है आजकल। अच्छा भाई, मैं तो अब मैं चलता हूँ, एक काम करना, कैया को बाहर न बांधना, कह दे रहा हूँ। गांव वालों को तुम जानते ही हो, भगवान सब भली करेंगे। माँ माँ माँ, देखो ना देखो, मैं जिधर भी जाती हूँ ना, गायें मुझे ही देखती है। हाँ, तुझे पहचानती है ना रे। हाँ माँ, सोना है ना अभी अंदर गई थी, उसे तो देखा भी नहीं। बापू कहाँ गए हैं? बेटा मंदिर गए हैं गणेश जी को दूध चढ़ाने। मेरी गाय है। कल से तो बड़े खुश लगते हो। कल से तू लड़ी भी तो नहीं, गोबर भी बहुत खुश है। आज बहुत जान लगा कर काम किया उसने खेत में। गाय के घर आने से ना सभी खुश लगते हैं। सभी खुश हैं। सब आए पर हीरा और शोभा नहीं आए। ना आए, सुना ना होगा का? नहीं, सुना तो होगा, पर सोचते होंगे कि गाय लाए हैं तो बुलाएंगे कि देखने के लिए आ जाओ। हजार बार कहा है तुमसे, अपने भाइयों का ना करा कहा करो हमारे सामने। तू तो फिर लड़ने को तैयार हो गई, दूध पिया था क्या? ठठोली ना करो। हाँ,
सारा गांव आया था देखने, हम बुलाने गए थे सबको, वो आ नहीं सकते थे। आएंगे कैसे, जल भुन गए होंगे और का। मैं तेल लेने जा रही हूँ। अरे सोना को भेज दे। पैसे कहाँ हैं? लल्लो चप्पो करूंगी तब जाके तेल देगी सठानी। हाँ चूल्हे पे नजर रखियो। रूपा। हाँ बापू। सुन तो बेटा। आई। बोलो बापू। दूध पिया? हाँ दूध पिया मैंने। अच्छा क्या कर रही थी बेटी? मैं ना गाय के लिए कौड़ियों की माला पिरो रही थी। तू पिरो रही थी कि सोना पिरो रही थी? सोना पिरो रही थी, पर उठा उठा के तो मैं ही दे रही थी ना। अरे वाह, तू उठा के ना दे तो वो पिरोएगी क्या? और क्या। बापू का एक काम करेगी बेटी। हाँ बोलो बापू। ये जरा अपने हीरा काका और शोभा काका को बुला ला। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, बड़ी काकी डांटती है मुझे। और छोटी काकी? छोटी काकी नहीं, छोटे काकू छेड़ते हैं मुझे, कहते हैं मूस पकड़ के रखा है तेरे लिए, भून के खा ले। अब के कहे ना तो तू कह देना, मांस तो आप लोग खाते हो, मूस भी आप ही खाओ। जा बेटी जा, जरा हीरा काका शोभा काका को बुला ला, कहना बापू ने बुलाया है गाय देखने के लिए। पर अगर माँ बोलेगी तो? माँ क्यों बोलेगी? वो उनके घर जाने के लिए मना करती है। अरे तू जा नहीं मना करेगी, कहेगी तो तू कह देना बापू ने भेजा है मुझे। ठीक है जा बेटा। संझा की बेला कहाँ जा रही है? बापू ने कहा है कि काकू को बुला कर ला। क्यों? मुझे क्या पता। गाय देखने। हाँ चल, कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की, घर चल चल। कुछ भी कहे हीरा, मन नहीं मानता कि होरी भैया ने पहली कमाई छुपा के रखी हुई। जब तक एक साथ में थे एक बकरी तक नहीं ली, अब एकदम से पछाई गाय कहां से आ गई, इतना रुपया कहां से आ गया। भोला उधार देने वाला आदमी भी नहीं है। हमारे पास भी तो उतने खेत थे, उतनी ईख थी, हमारे पास खपन को कौड़ी नहीं, उनके घर में गाय आती। पर गाय है सुंदर, मैंने देखी थी, गोबर लेके आ रहा था तो रास्ते में। बेईमानी का धन जैसे आता है ना वैसे ही चला जाता है। ये गाय भी बहुत दिन तक भैया के घर में नहीं रहने वाली।
ये तू अन्याय कर रहा है हीरा, किसी पे झूठी तोहमत नहीं लगानी चाहिए। सर झूठ अपने आप ही खुल जाएगा। चलता हूँ माँ। बापू खेत पे ना चलोगे आज? तू चल बेटा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शर्मा था तो ठीक है बापू, चाहो तो विश्राम कर लो, सोना रूपा आ जाएंगे मदद करने, गैया चराने ले गई हैं। चलूं? हाँ। क्या बात है, सुबह से गुमसुम बैठे हो? मैं सोचता हूँ गैया भोला को लौटा दे। क्या हुआ भाइयों से दिखाई तो नहीं हो गई कहीं? लौटा देने में ही कुशल है दुनिया। हाँ, भाइयों से दिखाई हुई है। अब तुम्हें उनसे डर लागे है तो पैर पड़ जाओ जाके, हम तो ना डरे किसी से। तू क्या जाने क्या चर्चा हो रही है, कि अलग होते वक्त मैंने पैसे दबा लिए थे और अब वही पैसे निकले। हीरा ने कहा होगा? अरे पूछो उससे जाके, जब बापू मरे थे तो कितने पैसे छोड़ गए थे। जनेब, पढ़ा किया हमने पाल पोस के, इस कंडा बनाया उन्हीं के लिए हम बेईमान हो गए? कह दो से, कह दो, बापू मरे थे ना तो हमने हांडी भर के मोरे दाब रखी थी तब से, कह दो आगे। ये कहाँ जा रही है? मैंने कब कहा कि हीरा ने कहा था? ए दरिया, ए गोबर, ए संभाल अपनी अम्मा को, रोक तो। हरि ओम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे, राधे श्याम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे, राधे श्याम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। गोविंदा बोलो एक बजे श्री एकलिंगनाथ, दो बजे श्री द्वारका, एक बजे श्री एकलिंगनाथ, दो बजे श्री द्वारका। हे श्याम श्याम, सात बजे श्री सत्यनारायण, आठ बजे प्रभु आपको, सात बजे श्री सत्यनारायण, आठ बजे प्रभु आपको, चिरैया बोले काका हमारे पे।
बैठ जा, किसी ने आते जाते देख लिया तो तो कहोगा? अरे ऐसी ठुकाई होगी लाश ही वापस जाएगी। किसकी? हम तो कह देंगे, हमें जबरदस्ती उठा के ले आए। जबरदस्ती? ऐसी हल्की पुल्की ना है तू जो तुझे सत्संग से उठा ले आए। हमें क्या पता, हम तो आग बन के भगवान का भजन सुन रहे थे बस। बातें बहुत सीख गई है तू। ससुराल में रह के शहर की हवा लग गई है। तभी तो किस्मत ने वापस गांव भेज दिया, नहीं तो ससुराल में रहकर विधवा की जिंदगी काट लेती मैं। विधवा की जिंदगी काहे काटेगी तू? मैं जो हूं तुझे नई जिंदगी देने के लिए, और नया ससुराल भी है? सच कहूं, यही बात सोच के मैं बहुत डर जाती हूं कि तुम्हारे घर के लोग मुझे अपना लेंगे। मेरे बापू बड़े खुले विचार के आदमी हैं और खुले दिल के भी, किसी का दर्द नहीं देख सकते। और माँ? माँ को मनाने में थोड़ा बखत लगेगा, पर मान जाएंगी। और कौन माँ अपने बेटे की खुशी ना चाहे? और कावाली? अरे गांव वालों को करने दे, काए काए अपने आप चुप हो जाएंगे। और वो? और कौन बचाए अब? है गाय, बैल, है पखेरू, सांप, कुत्ते? सुनना, सुने की चिरैया वो भी बची है, वो लिखा गा मोरे। हटो, बायस्कोप की बातें करने लगे। बेताला बायस्कोप। गांव में राय साहब का आना कभी भी अच्छा शगुन नहीं हुआ। सुबह सुबह धूल उड़ाते आए धमके। तेरा क्या जाएगा दुलारी? अरे तेरी तो दुकान चलती है, मुसीबत तो किसान की है। जमींदार गांव में आए तो किसानों पर आफत आई समझो। हकीम साहब, मुसीबत किसानों पर आई तो हम सब पर आएगी। सबके पेट खेती से जो जुड़े हुए हैं। किसी अंग्रेज को साथ लाए होंगे ध्वस जमाने के लिए। एक तो उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, दूसरी तरफ उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। अरे अंग्रेज वंग्रेज कोई नहीं था, उनका कारंदा था अनोखे लाल, जो हमेशा आता है। चौपाल पर सबको बुला रहा था, अल्लाह जाने